अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम एस टीचर ऑफ रेनबो ग्रामर स्कूल क्लास 4 यूनिट नंबर 4 नेम फ्रैक्शंस। टुडे वी लर्न अबाउट सेकंड बेसिक ऑपरेशंस दैट इज सब्ट्रैक्शन। आवर टॉपिक इज अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एडिशन करने का बताया था कि आप लोगों ने क्या करना है, एडिशन करते हुए बात याद रखना है कि आपके जो डिनोमिनेटर्स हों वो क्या हों, सेम हो, यानी वो लाइक फ्रैक्शन हो। अगर वो आपके सेम नहीं होंगे तो आप लोगों ने क्या कर देना, उसको सेम करने के लिए एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए प्राइम नंबर्स को चूज़ करना है। एलसीएम लेके आपके पास क्या जो आंसर आता है अपने डिनोमिनेटर्स को उसके साथ मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर्स क्या करने होते हैं, सेम करने होते हैं। देन आपके पास सिंपल क्या है, एडिशन है। उसके बाद जो चार मुख पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन, वो भी हमारे बिल्कुल एडिशन से तरीके बिल्कुल उसी मेथड से होना। बस ये है कि आप लोग एडिशन में जमा करते हो और सब्ट्रैक्शन में आप लोगों ने क्या कर देना है, डिटेक्ट करना यानी निकालना है। तो आपके एक्सरसाइज स्टूडेंट, आपके एक्सरसाइज नंबर है 11, आपको कह रहा है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन, गिव योर आंसर इन द लोएस्ट टर्म। आपको देखा जाए आपने आपके आप देख लो आपको सारे क्वेश्चन में क्या है, आपके जो डिनोमिनेटर्स के हैं वो पहले से सेम है, तो हमने इसका जो हमने एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। एलसीएम सिर्फ उस सूरत में लेते हैं जब हमारे पास फ्रैक्शंस क्या हो, अनलाइक हो। जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो हमारे पास लाइक फ्रैक्शन होती है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या कर देना, डिनोमिनेटर्स टू टाइम सेम, आपने सिंपली इसको वन टाइम लिखना है। देन आपने थ्री में से टू निकाल कर आपने क्या कर देना है, आंसर लिख देना है। और अगर आपके पास आंसर ऐसा आए तो दोनों एक ही टेबल पर कटिंग हुए तो आपने इसको कट करके सिंपल लोएस्ट फॉर्म में आंसर लेकर आना है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1 है 3/4 - 2/ जी स्टूडेंट्स, अगर आप देखें हमने डिनोमिनेटर्स टू टाइम सेम था, एक दफ़ा लिख लिया, थ्री में से टू निकल आपके पास आ गया 1/4। इसी तरह आपके पास 5 आपने टू टाइम लिखा था, वन टाइम लिखा, 4 में से 3 को निकल आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आपने खुद करने, सिंपली क्वेश्चन है आपके पास। अब हम लोग पढ़ने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर आपकी जो है, अब एक्सरसाइज नंबर स्टूडेंट आपकी 12 है। अब आप देखें यहाँ पे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में मिक्सअप है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर्स हैं पहले से क्या है, सेम है, तो ये तो आपका पहले एक्सरसाइज की तरह होगा। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, 2 आपके पास है 9/10 - 1/5। अगर आप देखें स्टूडेंट्स 10 और 5 दो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, यानी ये क्या आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अनलाइक को किस में चेंज करेंगे हम लोग, लाइक फ्रैक्शन में। और उसका मेथड क्या होता है हमारे पास, एलसीएम। सिंपली जिस तरह आप लोग एडिशन में एलसीएम लेते थे आपने इसी तरह इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके जो आंसर आएगा वो आपने डिनोमिनेटर्स की जगह लेकर आना है। डिनोमिनेटर्स में जिसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी को आप लोगों ने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना। देन आपके पास सिंपल आपका जो क्वेश्चन होगा आगे इसी तरह इसी प्रोसेस के साथ होता रहेगा हमारा। जी स्टूडेंट्स, अगर हम 10 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 10 और 5, सबसे छोटे प्राइम नंबर क्या है, 2, 2, 5 है। 10, 5 नहीं आता तो 5 ऐसे उतर गया। अब आपके पास क्या है, 5 है, तो 5 बन जाए 5। अब आपने क्या कर देना, 2 और 5 को मल्टीप्लाई कराना है, 2, 5 जाए 10। तो एलसीएम लेके आपके पास क्या आंसर है स्टूडेंट्स, 10 है। यहाँ पर आपने डिनोमिनेटर्स की जगह क्या लेकर आना है, 10 लेकर आना है। अगर देखा जाए स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 पहले से है, तो यानी आपने 10 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आपको मल्टीप्लाई होने के बाद 10 ही दे। तो 1 ऐसा नंबर है जिसके साथ हम लोग कोई भी चीज़ नंबर, जब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास सेम नंबर आते हैं। तो 10 1 10। अगर हम 10 को 1 से किया तो 9 को भी किससे करेंगे, 1 से करेंगे। अब यहाँ पे 5 है चाहिए हमें 10, तो 5 को किससे करेंगे, 10 है। 5 2 जै 10, तो 1 को भी किससे करेंगे, 2 से। अब हमने मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करना है, 9 1 जै 9 1 2 जै 2, 10 1 जै 10, 5 2 जै 2। अब आप देखिए आपके पास जो डिनोमिनेटर्स वो सेम हो गए, यहाँ पे अलग अलग थे, ये अनलाइक थी। आपके पास क्या है, लाइक। डिनोमिनेटर्स टू टाइम सेम, आपने कितनी दफ़ा लिख दिया इसको, 1 दफ़ा लिख दिया, 9 में 2 निकल आपके पास आ गया, 7 आ गया। जी स्टूडेंट्स, इसके लिए मेरे क्वेश्चन आपने खुद करने, आपने एडिशन जो हमने सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन किए उसको जरूर तो ध्यान में रखकर आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 13, उसमें दोनों ऑपरेशन एक साथ यूज़ हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उसको बकायदा ध्यान से सॉल्व करना है।